कभी प्रकृति की मार तो कभी सरकार की उदासीनता। धरती पुत्र हर समय एक समस्याओं से घिरा रहता है। सिरसा में बारिश की कमी के कारण कपास उत्पादक किसान परेशानी में है। परेशानी का कारण कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप है। सफेद मक्खी के प्रकोप से कपास की फसल में बढ़ोतरी नहीं हो रही। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में यदि बारिश हो जाती है तो नरमे की फसल को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाया जा सकता है। कीटनाशक स्प्रे भी इस बीमारी को काबू पाने में बेअसर नजर आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वर्ष कपास में सफेद मच्छर से काफी नुकसान हुआ था और किसानों को इसको लेकर बहुत मुश्किल हुई थी, तो इस वर्ष कपास में सफेद मच्छर तथा अन्य जो कीड़े बीमारियां आती हैं उनकी पहले से ही रोकथाम के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और अन्य विभागों द्वारा बहुत तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसमें जो किसान भाइयों को मुख्य रूप से ध्यान में रखने वाली बातें हैं उसमें सबसे पहली बात है कि जो राज्य सरकार की द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कपास के बीजों का अनुमोदन किया गया है, कपास के बीज जिनमें कि सफ़ेद मच्छर तथा मरोड़िया रोग कम लगता है वो ही अनुमोदित किए गए हैं और किसान भाइयों को पक्का बिल लेकर उन्हीं बीजों की बिजाई करनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिरसा से हजार टीवी न्यूज़ के लिए सुरेन सावंत की रिपोर्ट।